निमंत्रण कार्ड है, हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं इंद्रजीत सिंह यादव जी, इन्होंने छपवाया है कि निमंत्रण कार्ड है शादी का, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तस्वीर भी है, 2022 का संदेश है, लोगों का इतना प्रेम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति समाजवादी पार्टी की तरह, और एक इतना ज़्यादा उत्साह है लोगों में कि अपने निमंत्रण कार्ड में भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और 2022 को सफल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एक कार्ड ये आपने अभी देखा, ऐसे अभी एक हमारे क्या नाम था रजनीश यादव जी के यहाँ भी हम लोग अभी जा चुके हैं, एक कार्यक्रम अभी हंडिया में भी एक लड़के ने किया था, उसके यहाँ भी शादी थी उसकी बहन की, उसने भी समाजवादी पार्टी कलर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की फोटो, चुनाव चिन्ह, साइकिल के साथ निमंत्रण पत्र हम लोग को दिया था। उस कार्ड के साथ साथ उसने अपील की गई थी कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, इसमें भी अपील की गई। इसमें देखिए 2022 का भी जिक्र है, इसमें राधा कृष्ण जी की भी फोटो है, इसमें सभी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई। हाँ, ये जन 2022 ये लगा हुआ, ये पूरा निमंत्रण कार्ड है ये पूरा, और ऐसे तमाम कार्ड हम लोग के पास आते हैं कार्यकर्ताओं में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति प्रेम, समर्पण भाव, और 2022 को लेकर इतना उत्साह है कि अपने कार्ड तक में उन्होंने पूरा प्रचार कर डाला उसके लिए। उन सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये मेरी छोटी बहन की शादी है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों से खुश था, जिस तरह के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कार्य किया, और एक हमारे मुख्यमंत्री जो है खुद युवा है और खुद इंजीनियर है और मैं खुद इंजीनियर हूँ, इसलिए लोगों को भी एक संदेश, जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं उनको संदेश देने के लिए मैंने ये कार्ड अपने प्रेम प्रति समाजवादी के छपवाया है, जिससे लोग चुनाव के प्रति जागरूक हों, एक पढ़े लिखे युवा मुख्यमंत्री उसको चुने न कि एक बाबा। अपील कर रहे हैं कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। जनता इतना त्रस्त है आज योगी आदित्यनाथ जी से, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तानाशाही से खिलाफ में उनके ये सब प्रेम दिखा रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2022 में सरकार बनेगी और उनको जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी।